हेलो फ्रेंड्स, कैड विद प्रशांत यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंसर्ट फ्लेंज सरफेस लॉ एक्सटेंशन एक्सटेंशन एंड सिलआउट फ्लेंज इतने भी कमांड सीखने वाले हैं। बेसिकली लॉ एक्सटेंशन ये क्लासी सरफेस टाइप की कमांड्स है। मतलब हम किसी भी एक सरफेस प्रोफाइल को हम एक पर्टिकुलर डिग्री में एक्सटेंशन और उसमें वेरिएशन वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। तो लॉ एक्सटेंशन कमांड स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं कुछ प्रोफाइल जनरेट कर लेता हूँ। एक बेसिकली एक सिंपल लाइन यहाँ पे बना रहा हूँ। कंटिन्यूस ऑटो डायमेंशन कमांड यहाँ से मैंने ऑफ की है। इसलिए यहाँ पे मैं एक अप्रोक्सीमेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ की। सेकंड में यही लाइन को कुछ एक्सट्रूड कर देता हूँ। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट यहाँ पे एक सरफेस प्रोफाइल जनरेट हो गया। तो मैं कमांड स्टार्ट करता हूँ, इंसर्ट प्लेन सरफेस लॉ एक्सटेंशन। बेसिकली लॉ एक्सटेंशन में दोनों कमांड्स है, फेसिस एंड वेक्टर। तो कोई भी कमांड्स, सपोज आप जो भी कुछ वैल्यूज वगैरह इनपुट देते हैं, ओके, तो अगर आपको कमांड रिसेट करना है तो आप यहाँ से भी उस कमांड को रिसेट कर सकते हैं। मतलब जो भी सॉफ्टवेयर की बाई डिफॉल्ट वैल्यूज वगैरह भी जो भी कुछ सेटिंग्स रहती है वो बाई डिफॉल्ट आ जाती है। तो मैंने एक बार आपको दिखाने के लिए सेट कर दिया यहाँ से। ओके, यहाँ पे दो कमांड्स है, फेसेस एंड वेक्टर्स। असली कमांड देखते हैं फेसेस। यहाँ पे हमें कर्व या फिर एजेस सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट कर मैंने इस एज को सिलेक्ट किया। और सेकंड है रेफरेंस फेसेस, तो मैं इस फेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, बेसिकली जो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है, फेस प्रोफाइल रिवर्स डायरेक्शन, या हम डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं। और सेकंड रेफरेंस फेस डायरेक्शन, इससे हम रिवर्स कर सकते हैं। मतलब ये जो भी फेस हमें दिख रहा है 100 y, उसका हम डायरेक्शन अप एंड डाउन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है लेंथ लॉ। यहाँ पे हम बाय कांस्टेंट, बाय लीनियर, क्यूबिक, बाय इक्वेशन, जैसे हमने इसके पहले की बहुत सारे कमांड्स में देखी है लेंथ जो लॉ, तो वैसे यहाँ पे सेम है। यहाँ पे जो वैल्यूज, हम यहाँ से वैल्यू एडिट कर सकते हैं, देखिए, या फिर आप इस एरो को मैनुअली ट्रैक करके भी आप चेंज कर सकते हैं। सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पे एंगल लॉ, यहाँ से हम उसका एंगल्स जो है चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, या फिर आप इस मैनुअली इस हैंडल को ड्रैग भी करके वहाँ से एंगल चेंज कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन है अपोजिट साइड एक्सटेंशंस, अभी अपोजिट साइड एक्सटेंशन यहाँ पे ऑफ है। तो जैसे मैं ऑन करता हूँ सिमेट्रिक, मतलब जिस एज से हमने एक्सटेंशन लिया था वहाँ से दोनों साइड में इक्वल सिमेट्रिक प्रोफाइल जनरेट हो गया है। ओके, उसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है असिमेट्रिक, मतलब आप वेरिएंट, मतलब मल्टीपल साइजेस यहाँ से वेरिएंट कर सकते। तो यहाँ पे देखिए हमने ऊपर 95 और नीचे यहाँ पे कुछ 13 mm है, तो मैं यहाँ से उसे चेंज कर लेता हूँ 44। ये देखिए वेरिएशंस, यहाँ से वापस में ध्यान रखता हूँ स्पाइन। यहाँ से हम ये जो भी हमारी प्रोफाइल जनरेट हो रही है उसका प्रोफाइल यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसे कैसे यूज़ करना है मैं यहाँ पे एक प्लेन डाल के आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं इसे ओके करता हूँ। लॉ एक्सटेंशन में यहाँ से डिलीट करके यहाँ पे एक एंगल में यहाँ पे प्लेन जनरेट करता हूँ। रिटर्न प्लेन मैंने प्लेन सेट किया और यहाँ पे एज सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए एक अप्रोक्सीमेट यहाँ पे एक डिग्री पे मैंने प्लेन जनरेट किया है। तो यहाँ पे एक कुछ स्केच ड्रॉ करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक आर्क यहाँ पे जनरेट किए फिनिश। और मैं जो प्लेन है मैं उसे हाइड कर देता हूँ यहाँ पे आर्क। यहाँ पे मैं वापस सेम कमांड रिपीट करता हूँ, प्लेन सरफेस लॉ एक्सटेंशन रेफरेंस फेस या फिर अप एंड साइड। अभी जैसे मैंने कहा था स्पाइन करो, इस कर्व से हम उस प्रोफाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए, तो जैसे मैंने उस कर्व को सिलेक्ट किया वैसे
जो हमारा लाइव एक्सटेंशन सर्विस है उसने वो प्रोफाइल अडॉप्ट कर लिया ले लिया है। सेकंड यहाँ पे जो ऑप्शन है बाय डिग्री टॉलरेंसेस आउट ऑफ फिट वगैरह, जिससे हम उसके टॉलरेंसेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे स्पाइन कर यहाँ से पहले मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे और एक जो ऑप्शन है लेंथ लॉ में वो है बाईलीनियर। ओके, मतलब हम मल्टीपल से वेरिएशन कर सकते हैं। ये देखिए, मतलब स्टार्ट वैल्यू एंड वैल्यू उसकी चेंज कर सकते हैं जो भी हमारे एक्सटेंशन सरफेस है उसकी। नेक्स्ट ऑप्शन है क्यूबिक। जैसा हमने कमांड पहले भी देखा है कि एक क्यूबिक जैसे प्रोफाइल यहाँ पे जनरेट होता है जो भी हम कंट्रोल करते हैं स्टार्ट एंड एंड प्रोफाइल उसके बीच में। ये देखिए, नेक्स्ट जो एक और एक ऑप्शन है बाय लॉकर और बाय इक्वेशंस, उसमें एक मल्टी ट्रांजिशन करके एक है। ओके, सो यहाँ पे हमें मल्टी ट्रांजिशन पॉइंट्स डिफाइन करने रहते हैं। पहले मैं लाइव एक्सटेंशन को बड़ा कर देता हूँ और मल्टी ट्रांजिशन के पॉइंट्स यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट कुछ एज को, और इससे हम यहाँ पे देखिए कुछ मैनुअली यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए, जो भी हमने पॉइंट डिफाइन किए उसके लाइंस में हम उस सरफेस को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। सेम यहाँ पे जो प्रोफाइल है बायंगुलर लॉ, इसमें हम बायलिनियर अलग अलग डिग्री से हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए दोनों साइड में एंगल्स हैंडल्स जनरेट हो गए। ये देखिए, ये देखिए वहाँ पे, यहाँ पे 70 डिग्री और नेक्स्ट ऑपोजिट साइड में यहाँ पे 112 डिग्री। नेक्स्ट एक क्यूबिक, ये पूरा प्रोफाइल क्यूबिक जनरेट, क्यूबिक लाइक जनरेट हो गया है। सेम यहाँ पे भी मल्टी ट्रांजेक्शन है, यहाँ से हम अलग अलग प्रोफाइल कंट्रोल कर सकते हैं सेम फीचर्स। तो ये एक अच्छी कमांड है। सामने कहा था सिमेट्रिक वगैरह, सो सिमेट्रिक प्रोफाइल यहाँ पे जनरेट हो गए। ये देखिए, अगर हमें असिमेट्रिक चाहिए तो हम असिमेट्रिक प्रोफाइल यहाँ से बना सकते हैं। सो इसे ओके कर देता हूँ और ये जो हमारा एक्सटेंशन प्रोफाइल से मैं पहले डिलीट कर देता हूँ ताकि हम नेक्स्ट कमांड देख सके। ये भी एक स्केच यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है प्लेन सरफेस लॉ एक्सटेंशन में वो है वेक्टर। इसमें हमें कर्व सिलेक्ट करके वेक्टर डिफाइन करना है कॉन्स्टेंट। ये देखिए, हमारे जो पहले के प्रोफाइल फॉर्म है ऐसे हमें बेसिकली कर्व और जो भी वेक्टर है वेक्टर से बाकी सभी कमांड्स कॉमन है, जैसे कि हमने देखा था बायलिनियर। ये देखिए, मल्टीपल स्टार्ट प्रोफाइल 95 एंड प्रोफाइल 330 में यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, और ये एंगुलर प्रोफाइल, बेसिकली डिफरेंस यही है कि हम यहाँ से उसे वेक्टर डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है इंसर्ट एंड सरफेस वो है एक्सटेंशन। तो इसमें हमें ये देखिए, फर्स्ट वाला जो कमांड है एज, सो किसी भी हम एज को नियरेस्ट प्रोफाइल को अगर सिलेक्ट करेंगे तो एक एज सरफेस यहाँ से एक्सटेंडेड हो जाता है। ये देखिए, मैं इस साइड से सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसकी जो भी नियरेस्ट प्रोफाइल है मतलब एज है उस एज की तरफ से आपकी सरफेस एक्सटेंड हो रहा है। ओके, इसमें दो ऑप्शन है बाय टेंजेंशियल बाय सर्कुलर। तो बाय टेंजेंशियल मतलब जो भी आपका सरफेस है उसको टेंजेंशियल, सपोज अगर प्लेनर सरफेस है तो प्लेनर सरफेस के एक्जैक्टली टेंजेंशियल प्रोफाइल मतलब सेम प्लेनर प्रोफाइल आपसे एक्सटेंड हो जाता है। और जो सर्कुलर प्रोफाइल है उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे और एक प्रोफाइल जनरेट कर देता हूँ। ये देखिए, हमारा कर्वेचर था, इसमें मैं और एक लाइन ऐड कर देता हूँ। देखिए, ये बाय एंड पॉइंट में मैंने यहाँ पे एक आर्क जनरेट किए।
ये देखिए प्रकार से आप इंसर्ट प्लेन सरफेस एक्सटेंशन एजेस ये देखिए सिलेक्ट एज ये देखिए अगर टेंजेंशियल करते हैं तो ये जो भी आर्क है उसके एक्सेप्ट टेंजेंशियल प्रोफाइल यहाँ से जनरेट हो गया। ओके अगर हम उसे सर्कुलर करते हैं तो ये जो भी हमारा कर्वेचर प्रोफाइल है वो एज सर्कुलर फॉर्म में जनरेट हो गया। ये देखिए जैसे हम लेंथ वेरी करेंगे वैसे वैसे वो चेंज होता जाएगा। तो बेसिकली है डिफरेंस सर्कुलर में कोई भी रेडियल प्रोफाइल रेडियल सरफेस वो एक्सटेंडेड हो जाता है और टेंजेंशियल अगर करेंगे तो वो जो भी हमारा एजेस है एंड पॉइंट तो उससे एक और एक सरफेस एज अ टेंजेंशियल प्रोफाइल यहाँ पे जनरेट हो जाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है बाय कॉर्नर। सो कोई भी कॉर्नर के रिवर्स प्रोफाइल में यहाँ पे प्रोफाइल जनरेट हो जाता है। ये देखिए जैसे हम इसे सेलेक्ट करते हैं तो उससे और एक 180 डिग्री और अपोजिट साइड पर कॉर्नर जनरेट हो जाती है। तो ये एक फीचर है। देखिए मैं इस साइड में सेलेक्ट करता हूँ तो इस साइड में एक कॉर्नर जनरेट हो गए। मैं और एक सेलेक्ट करता हूँ तो इस साइड में और एक कॉर्नर यहाँ पे जनरेट हो गई है। ये देखिए सो एक और एक अच्छी कमांड है। सो नेक्स्ट जो हमारी कमांड है इंसर्ट प्लेन सरफेस सिलेक्ट फ्रेंच। सो इसमें हमें सिलेक्ट कर मतलब एग्जिस्टिंग कर सिलेक्ट करना है एज। मैंने इस एज को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट बेस फेस। ओके तो यहाँ पे वेक्टर डायरेक्शन सिलेक्ट करना है। मैंने ये वेक्टर सिलेक्ट किया। सो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट फ्रेंच में हमें एज सिलेक्ट किया है और बेस फेस सिलेक्ट किया है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक रेडियस एक सरफेस यहाँ पे जनरेट हो गई। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है रिवर्स फ्रेन साइड डायरेक्शंस। तो देखिए रिवर्स साइड में हम यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। देखिए सेम रेंज पैरामीटर में उसके हम वैल्यू कंट्रोल कर सकते हैं। हमने देखा था कॉन्स्टेंट लीनियर अलग अलग वैल्यूज यहाँ से ये देखिए अलग अलग वैल्यू यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंगल कंटिन्यूटी यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन है आउटपुट सरफेस यहाँ पे हम रेड एंड फ्रेंच पाइप ओनली ये देखिए जो कि सरफेस जनरेट हो गया पे एक पाइप लाइक प्रोफाइल जनरेट हो गया। सेकंड फ्रेंच ओनली सो यहाँ पे तो ओनली फ्रेंचेस जनरेट हो जाएगा। सेकंड बेंड एंड फ्रेंच मतलब बेंड और फ्रेंच मतलब ये जो रेडियल सरफेस है वो भी जनरेट होता है। और यहाँ पे अगर ट्रिम बेस फेस अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो ये जो भी हमारा एक्सटेंडेड सरफेस था वो तो यहाँ से ट्रिम होगा। ये देखिए मैं इसे वापस अनचेक कर रहा हूँ। ये देखिए एग्जैक्टली क्रिएट अ कर्व शो पाइप ये देखिए ये देखिए एक अच्छी कमांड है। बेसिकली इसमें और एक जो कमांड है स्लॉट रेंज में वो है एफ्लुएंट कैप। एफ्लुएंट कैप में हमें एग्जिस्टिंग रेंज को हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ये देखिए उसके एग्जैक्टली रिवर्स साइड में यहाँ पे प्रोफाइल जनरेट हो गया। बाकी हम उसकी जो वैल्यूज है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें इसमें हमें एग्जिस्टिंग स्लॉट फ्रेंच जो फ्यूचर है वो सिलेक्ट करना है बेस पे सिलेक्ट करना है। ऐसे हम डायरेक्शंस वगैरह वो कंट्रोल करते हैं। बाकी हमारे जो फ्यूचर्स है लीनियर्स बेंड मिनिमम मैक्सिमम
वो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और ड्रॉपडाउन पैरामीटर जैसे मैंने कहा था ट्रिम बेस फेस वगैरह, तो वो यहाँ से फीचर चेंज कर सकते हैं। शो पाइप यहाँ पे देखिए, पाइप लाइक प्रोफाइल यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो फ्रेंड्स ये जो भी हमने कमांड्स देखिए, इंसर्ट प्लेन सरफेस, इसमें लॉ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन स्लॉट प्लेन, मतलब किसी भी सरफेस को हम एक्सटेंडेड एडिशनल फीचर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आज के जो इस वीडियो में हमने प्लेन सरफेस एक सर्फेसिंग की एक अच्छी सी कमांड देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट ऑफसेट सरफेस में जो हमारी कमांड है वो है एक, यहाँ पे देखिए थिकन ऑफसेट सरफेस, वेरिएबल ऑफसेट एंड रफ ऑफसेट, ये कमांड्स हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग।